अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंशाल्लाह ग्रेड टेंथ का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट टू थर्ड सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं ये वाले। द सरफस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, यानी कि एक क्यूब है डियर स्टूडेंट, उसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है ए। वेयर इज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, यानी कि वो डायरेक्टली है किसके, उस क्यूब की लेंथ के स्क्वायर के। ऑफ एन एच एंड ए इज इक्वल 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन एल इज इक्वल 3 यूनिट्स। अब डियर स्टूडेंट इसके दो पार्ट फर्दर हैं। ए पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है ए व्हेन एल इज इक्वल कितना हो 4 यूनिट्स। नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका है एल हमने फाइंड करना है व्हेन, जब ए इज इक्वल कितना हो 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं सॉल्व। जी अब डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, यानी कि इसकी मैथमेटिकली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगी, सरफेस एरिया यानी कि ए वेरीज है डायरेक्टली किसके, स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल के, स्केयर ऑफ द लेंथ एल। अब डियर स्टूडेंट्स इस वेरीज के साइन को ख़त्म करेंगे, क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल कॉन्स्टेंट वैल्यू लेके आएंगे के एल स्केयर। ये हमारे पर डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर क्या बन गई 1। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ए इज इक्वल 27 स्केयर यूनिट्स When L is equal 3 units, यानी कि A की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में हम 27 पुट करेंगे और L की वैल्यू 3 पुट करके इधर से हम क्या फाइंड करेंगे K। स्टेटमेंट लिख देता हूं पुट A is equal 27 and L is equal 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, एक ही जगह पर डियर स्टूडेंट्स कितना पुट करना है 27 इज इक्वल के एल की जगह पर 3 का क्या बन गया स्क्वायर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 27 एज इट इज के बी एज इट इज और 3 का स्केयर डियर स्टूडेंट 9। अब 9 डियर स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 27 ओवर 9 इज इक्वल के। अब 27 को डियर स्टूडेंट 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगी के की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड करना है ए और एल कितना पुट करना है हमने 4। अब इक्वेशन नंबर हमने किस में पुट करना है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में के की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है और के की वैल्यू 3 और एल 4 पुट करके हमने क्या फाइंड करना है जी ए पार्ट नंबर 1। अब क्या लिखेंगे पुट K is equal 3 and L is equal 4 in equation number 1। अब डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास, A हमने फाइंड करना है
ए फाइंड करना है डियर स्टूडेंट एज इट इज। के की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, थ्री, और एल डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कितना है, फोर, फोर का स्केयर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट थ्री एज इट इज, फोर का स्केयर 16, और ए इज इक्वल जब 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48। हमारे पास एरिया किस में गिवन था, सरफेस एरिया हमारे पास किस में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, स्केयर यूनिट्स में। अब इसका साथ में यूनिट लिख देंगे स्केयर यूनिट्स। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट नंबर टू जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर टू में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एल हमने फाइंड करना है व्हेन ए इज इक्वल 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्टेटमेंट लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, पुट के इज इक्वल 3 एंड ए इज इक्वल 12 इन इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ए की जगह पर हमने डियर स्टूडेंट 12 इज इक्वल के की जगह पर डियर स्टूडेंट 3 एल स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल एल स्क्वायर, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 4 इज इक्वल एल स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स हमने एल फाइंड करना है, अब इसका स्केयर है इधर एल का स्केयर, अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 4 का स्केयर रूट इज इक्वल एल का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब 4 का स्केयर रूट डियर स्टूडेंट कितना होता है, 2, ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसल, एल की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी फाइंड हो गई है, 2, यानी कि इसके एल के साथ यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ये हमने डियर स्टूडेंट्स एल की क्या फाइंड कर दी, वैल्यू, दोनों टारगेट हमने डियर स्टूडेंट्स इसके अचीव कर लिए। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज directly as the amount of elongations s and f is equal 32 pounds when s is equal 1.6 inch. Find kya karna hai dear student, s find karna hai when f is equal 50 pounds. Second part iska hai, f aapne find karna hai when s is equal 0.8 inch. अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको भी मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूं। अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या बनेगी, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली है, फोर्स जो है वो वेरीज कर रही है डायरेक्टली है किसके साथ, एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन एस, यानी के फोर्स एफ वेरीज डायरेक्टली है किसके, एस के। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वेरीज का साइन यानी के खत्म करेंगे, एफ इज इक्वल कॉन्स्टेंट वैल्यू के एस। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एन
फोर्स जो है 32 पाउंड्स व्हेन एस इज इक्वल 1.6 इंच जो है वो पुट करके इधर से के की वैल्यू फाइंड करेंगे. पुट एफ इज इक्वल 32 एंड एस इज इक्वल 1.6 इंच इन इक्वेशन नंबर 1. अब डियर स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास, एफ की जगह पर हम लिखेंगे 32 के हमने डियर स्टूडेंट अभी इधर से फाइंड करना है. एस की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 1.6. अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1.6 के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 32 ओवर 1.6 इज इक्वल किसके आ गया के. अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 32 को हम 1.6 के ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड. हमारे पास डियर स्टूडेंट्स के की वैल्यू इधर से फाइंड होगी कितनी 20. अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, एक तो के की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है. एस फाइंड करना है व्हेन एक्स और एफ इज इक्वल 50 पाउंड्स. पुट के इज इक्वल 20 एंड एफ इज इक्वल 50 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट्स, एफ की जगह पर 50 पुट करता हूं. के हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास के 20. एस एज इट इज क्योंकि हमने एस डियर स्टूडेंट फाइंड करना है. अब 20 डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 50 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल एस. अब ये जीरो इसके साथ डियर स्टूडेंट कट गया. 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 इंच. ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगी एस की वैल्यू फाइंड. अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करता हूं. पार्ट नंबर 2 क्या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एफ फाइंड करना है एस की वैल्यू में क्या है गिवन. अब लिखता हूं फिर दोबारा स्टेटमेंट. पुट के हमने फाइंड किया हुआ के इज इक्वल 20 एंड एस हमें डियर स्टूडेंट अब गिवन है कितना है 0.8 इंच इन इक्वेशन नंबर 1. अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में हम के की वैल्यू 20 और एस की वैल्यू जो है 0.8 पुट करेंगे. यूनिट विद आउट यूनिट लिखें क्या बन जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, एफ हमने फाइंड करना अभी. एफ एज इट इज इक्वल के की जगह पर डियर स्टूडेंट 20, एस की जगह पर डियर स्टूडेंट 0.8. अब डियर स्टूडेंट्स 20 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करें. आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आ गया 16 पाउंड्स फोर्स का यूनिट जो इधर हम यूज कर रहे हैं LB. ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फोर्स जो है यानी कि एफ हमने क्या कर दिया फाइंड. आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 3.7 के ये वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.